हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और जानेंगे क्यों जरूरी है इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी होना। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की महिलाओं को प्रभावित करने वाले कैंसर में से सबसे आम प्रकारों में से एक है। फिर भी बहुत से लोग अभी भी ब्रेस्ट कैंसर के नाम से डरते हैं। लोगों को ब्रेस्ट कैंसर से डरने का एक मुख्य कारण यह है कि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब है मौत। बहुत से लोग ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी काफ़ी डरते हैं, जो कि कठिन और भारी भी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो ब्रेस्ट टिश्यू में शुरू होता है। यह दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और ये पुरुषों को भी प्रभावित कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, जैसे लोब्यूल्स, डक्ट्स और टिश्यू। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे आम प्रकार डक्टल कार्सिनोमा है, जो ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट्स की लाइनिंग में शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर का दूसरा आम प्रकार है लोब्यूल कार्सिनोमा। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स की सेल लाइनिंग में शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उम्र। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाली महिलाओं में इस रोग के विकसित होने का अधिक जोखिम हो सकता है। जिस महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन जल्दी शुरू हो जाता है या बाद में मेनोपॉज से गुजरती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। मोटापा, शराब का सेवन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे ब्रेस्ट कैंसर को, जिसे हम सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस के द्वारा जानेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को टिपिकली इमेजिंग टेस्ट्स जैसे कि मैमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड और MRI से डायग्नोस किया जाता है। कैंसर सेल्स की जाँच के लिए एक बायोप्सी भी परफॉर्म करे जा सकती है, लेकिन उससे पहले आप सेल्फ एग्जामिनेशन से भी ब्रेस्ट कैंसर को अपनी बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के तीन मेथड्स होते हैं, सर्कुलर मेथड, व्हील स्पोक्स मेथड और ग्रिड मेथड। चलिए जानते हैं इन्हें कैसे यूज करें। ध्यान रहे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम के दौरान बीच की तीन उंगलियों की उंगलियों के मोटे पैड को यूज करें। आप जिस ब्रेस्ट की जांच कर रहे हैं उसके ऑपोजिट हाथ का यूज करें। अपने ब्रेस्ट के सबसे भारी एरिया से शुरुआत करते हुए दूसरे, तीसरे और चौथी उंगली के चपटे हिस्से को अपने ब्रेस्ट में दबाएं। अपने ब्रेस्ट के चारों ओर धीरे धीरे छोटे घेरे घुमाते हुए निपल की ओर काम करें। गहरे टिश्यू को महसूस करने के लिए मजबूती से दबाएं और स्किन के नीचे टिश्यू को महसूस करने के लिए धीरे से दबाएं। किसी भी एरिया को छोड़े बिना पूरे ब्रेस्ट को जांच करें। दूसरे ब्रेस्ट में भी सेम प्रोसेस दोहराएं। इमेजिन करें कि आपका ब्रेस्ट एक पाई के शेप के स्पोक्स में डिवाइडेड है। ब्रेस्ट के सबसे भारी एरिया से शुरू करें। उंगलियों के चपटे हिस्सों को अपने लेफ्ट ब्रेस्ट में दबाएं। पहले निप्पल की ओर जाएं, फिर निप्पल से दूर जाएं। जब आप उस एरिया को पूरा कर लें, तो अपनी उंगलियों से अगले एरिया में थोड़ा सा स्लाइड करें और इस प्रोसेस को धीरे धीरे अपने पूरे ब्रेस्ट के चारों ओर घुमाते हुए दोहराएं। दूसरे ब्रेस्ट में भी सेम प्रोसेस दोहराएं। ब्रेस्ट बोन के पास ब्रेस्ट के इनरमोस्ट पोर्शन से शुरू करें। उंगलियों के सपाट हिस्सों से अपने ब्रेस्ट को मजबूती से और धीरे से दबाते हुए नीचे ले जाएं। जब तक पूरे ब्रेस्ट एरिया की जांच नहीं हो जाती, तब तक आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा स्लाइड करें और अपने ब्रेस्ट को ऊपर, फिर नीचे और इसी तरह आगे बढ़ाएं। ऑपोजिट ब्रेस्ट के लिए सेम प्रोसेस दोहराएं। बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेथड आपके लिए कंफर्टेबल है उसे चूज करें और हर महीने उस सेम मेथड को सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए यूज करें। इसके अलावा ऊपरी बाहरी ब्रेस्ट और अपने आर्मपिट के बीच के एरिया के साथ साथ अपने आर्मपिट को भी चेक करें। बड़े हुए लिम्फ नोड्स के लिए अपने कॉलरबोन के ठीक ऊपर के एरिया को भी चेक करें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का अगला भाग शावर में किया जाता है, जहां स्किन पे लगा हुआ साबुन लिम्फ को महसूस करने में इजी बना सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सबसे आम सिम्टम्स में से आता है ब्रेस्ट या अंडरआर्म एरिया में एक गांठ या लंप होना, ब्रेस्ट की स्वेलिंग या रेडनेस होना, ब्रेस्ट के साइज और शेप में चेंजेस आना, ब्रेस्ट की स्किन में इरिटेशन होना। ध्यान रहे, इनिशियल स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, तो अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स अपनी ब्रेस्ट में महसूस करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए महिलाओं का सेल्फ अवेयर होना मदद कर सकता है इस बीमारी को पहचानने में। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ब्रेस्ट कैंसर के टाइप पर। इसमें आता है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हॉर्मोन थेरेपी। कुछ मामलों में इन सब ट्रीटमेंट्स के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ किया जाता है।
ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस काफी लोगों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन और राइट ट्रीटमेंट से आप अपनी लाइफ को दोबारा हेल्दी तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी लक्षण दिखाई दे तो। अवेयरनेस एंड एजुकेशन से आप ब्रेस्ट कैंसर से लड़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है काफी वुमेन्स के लिए। इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं, जो कि इंसान को इमोशनली भी डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इंसान को इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप दें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।